सबसे पहले हम किडनी स्टोन की मैनेजमेंट देखेंगे। किडनी स्टोन की मैनेजमेंट में सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम एनाल्जेटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड उसे कहते हैं कि इनटेक करें 3 लीटर पर डे करें। इसके बाद मेडिकल MET मेडिकल एक्सप्लोरेशन थेरेपी कहते हैं। मेडिकल एक्सप्लोरेशन थेरेपी में हम एनाल्जेटिक्स देते हैं और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इनटेक कहते हैं। और इसके अलावा मेन जो है वो कैप्सूल टेम्सिलोसिन 0.4 mg वंस अ नाइट उसे कहते हैं कि वो लेगा। उसके बाद हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का ऑप्शन होता है, जो कि हम बॉडी के बाहर से शॉक वेव्स देते हैं। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी अगर हमने नहीं करनी या फिर जो है वो ज़्यादा बड़ा स्टोन है किडनी का, तो फिर हम उसमें यूज़ करते हैं पार्कुटेनियस ट्रीटमेंट होती है, जो कि स्किन के थ्रू होती है। पार्कुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, क्योंकि किडनी से स्टोन को रिमूव करेंगे किडनी से, तो इसलिए हम स्किन के थ्रू पार्कुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी कर सकते हैं। और इसके बाद एक और प्रोसीजर होता है जिसे रीड्स प्रोसीजर कहते हैं, यानी कि इंट्रारीनल होता है ये प्रोसीजर। तो रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी होती है, रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। इसमें यह होता है कि यूरिथ्रा से हम किडनी की तरफ जाते हैं, तो रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी RIRS रीड्स। और इसके ये जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी और पार्कुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी है और रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। इसके बाद हम ओपन सर्जरी करते हैं, ओपन सर्जरी में पाइलोलिथोटमी आ जाती है, एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटमी आ जाती है, एनाट्रॉफिक नेफ्रोलिथोटमी आ जाती है और पार्शियल नेफ्रेक्टमी आ जाती है। एंड फिर आ जाती है मैनेजमेंट ऑफ द यूटेरिक स्टोन। यूटेरिक स्टोन के लिए हम यूरिट्रोस्कोपिक स्टोन ट्रीटमेंट करते हैं, यूरिट्रोस्कोप यूज़ करते हैं, यूरिट्रोस्कोपिक स्टोन ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम डबल जेस्टन जेजेस्टन यूज़ करते हैं, या डार्मिया बास्केट यूज़ करते हैं, या फिर पुश बैंक करते हैं। पुश बैंक से हम क्या करते हैं कि वो पीछे की तरफ किडनी की तरफ पुश करते हैं स्टोन को और फिर किडनी से निकालते हैं। और जेजेस्टन से हम जेजेस्टन डाल देते हैं किडनी में और साथ ब्लैडर तक होता है, डबल जे शेप होता है जिसे यूरिटर पेटेंट रहता है। और डार्मिया बास्केट के थ्रू हम स्टोन को ग्रास्प करके उसको निकाल लेते हैं, क्रश करके। और इसके अलावा जो ओपन सर्जरी होती है, इसमें क्या करते हैं, ओपन सर्जरी में अगर अपर पार्ट ऑफ यूरिटर इन्वॉल्व है तो फिर हम पाइलोरीथाटमी करेंगे, और अगर मिडल 1/3 इन्वॉल्व है तो फिर हम मसल कटिंग आईलिएक फोसा इंसिजन देंगे, और अगर लोअर 1/3 इन्वॉल्व है तो फिनेस्टियल इंसिजन या फिर जिप्सन इंसिजन देंगे, GIBSON जिप्सन इंसिजन देंगे। और ब्लैडर स्टोन्स अगर प्रेजेंट हैं तो सेटोलापेक्सी करते हैं। सेटोलापेक्सी में हम ब्लैडर में एंटर होते हैं फ्रॉम द यूरिथ्रा, और वेजिकोलिथोटमी होती है। वेजिकोलिथोटमी में हम फिनेस्टियल इंसिजन देते हैं। तो दो तरह की हमने ऑपरेट किया है इसमें ब्लैडर स्टोन्स में, एक सेटोलापेक्सी है और दूसरा है हमारे पास वेजिकोलिथोटमी। वेजिकोलिथोटमी में हम सीधा ब्लैडर में ही जा रहे हैं, इसमें फिनेस्टियल इंसिजन दे रहे हैं। तो इस तरह ब्लैडर स्टोन्स को हम ट्रीट करते हैं दो तरीकों से, सेटोलापेक्सी और वेजिकोलिथोटमी से।